अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तरीन एंड वेलकम टू प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और 76 सालों में हम अपने किसान को माशी तौर पर मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में बैम्बू जो है अभी तक सिर्फ हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी और चीज़ में इसका कोई खातर खास इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा। तो अगर आप पाकिस्तान में बैम्बू फार्मिंग की बात करें, हमारे जो नदी नाले हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी नहरें हैं, दरियाओं के साथ साथ ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर बैम्बू काश्त किया जा सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर काश्त नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में यह भी एक बात बहुत देखी जा रही है कि जैसे हम किसी चीज़ की फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं, उसकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम अपने लोगों को उसकी ऐसे इस्तेमाल भी बताएँ जिससे उसकी जो है इस्तेमाल बढ़ जाएँ और उसकी खपत जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर बैम्बू की बात करें तो पाकिस्तान में बैम्बू सिर्फ जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जब दुनिया में जाएं तो इसके वो टूथपिक्स के लेकर इसकी बेकरी जो स्टिक्स बनाई जाती हैं, इससे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम लिया जाते हैं, हमारा बैम्बू फर्नीचर बनाया जाता है, इससे बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं। आज हम मौजूद हैं कसूर के इलाका में, ये पूरा एक एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बैम्बू जो है वो उगाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में सरगोधा के इलाके में बैम्बू उगाया जाता है। इसके साथ साथ हम सियालकोट, हमारा जो है मंडी बहाउद्दीन में भी बैम्बू की बहुत बड़े लेवल पर काश्त की जाती है। अभी डॉक्टर वकास खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इसी धरती का सपूत हैं और ये इस तरह के मुख्तलफ जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह हमने अपने वसाइल को लेके अपनी यूथ की पावर बनानी है, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप बनानी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज ग्रो करनी है, इनके बेशुमार आइडियाज़ हैं। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिविट्स हैं, वहाँ पर अपनी बहुत सी चीज़ें बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बैम्बू किस तरह हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकता है। ये तारिक भाई, आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो हर साल सैलाब की वजह से हमारे नहरों के किनारे टूट जाते हैं, दरियाओं के किनारों से पानी निकल आता है, लाखों एकड़ फसलें जो हैं बर्बाद हो जाती हैं। बैम्बू जो है ये कुदरती प्रोटेक्टिव जो है ये वुड है। अगर हम अपनी नहरों के किनारों पे बैम्बू की काश्त कर दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के महकमा नहर को इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि ये नहर टूट जाएगी। एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा एरिया है पाकिस्तान में, जारी बात है दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, तो हमें अपनी नहरों के किनारों पे बैम्बू की काश्त करनी चाहिए। एक तो नहरें महफूज, दूसरा उनके किनारे महफूज। दूसरा यह है कि हमें जो है वो बैम्बू की जो वैल्यू एडिशन है उसकी तरफ आना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हम बैम्बू का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। आपने जिस तरह से अभी अपने प्रोग्राम में बताया कि किस तरह से बैम्बू से जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स तैयार की जा सकती है, इस तरह बैम्बू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आ सकती हैं। मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि हम बैम्बू का वो इस्तेमाल करें जो कि एक नौजवान के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के मौके खोले। बैम्बू बिरयानी जो है आप देखिए पूरी दुनिया में कितनी फेमस है, पाकिस्तान के अंदर अभी ये इतनी फेमस नहीं हुई। इसी तरह से बैम्बू में चाय तैयार होती है, हमारे यहाँ जो है वो तंदूरी चाय मशहूर है, लेकिन बैम्बू चाय जो है वो बैम्बू का जो पानी है बजाते खुद जो बैम्बू के अंदर होता है ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बैम्बू का जो है वो कावा, बैम्बू की जो है वो बैम्बू में तिक्के लगाए जाते हैं, बैम्बू कढ़ाई तैयार की जाती है। तो हम जो है वो छांगा मांगा में हमने एक जंगल के बीचों बीच एक सेटअप जो है वो तैयार कर रहे हैं एक बैम्बू विलेज के नाम से, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त आपने आइडिया दिया। मेरा ख्याल हमारे जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएं तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल चीज़ें मौजूद हैं एज ए एग्रीकल्चर कंट्री कि हमें शायद किसी और चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक। तो ये जो आप बैम्बू टूरिज्म विलेज बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में ये क्या कॉन्सेप्ट है? डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि स्मॉग का इतना बड़ा मसला है, लोग जो है आलूदगी से उकताए हुए हैं, हर तरफ ट्रैफिक का शोर है, हर तरफ जो है आलूदगी है। तो हमने ये प्लान किया कि छांगा मांगा जंगल के एन बीचों बीच एक बैम्बू विलेज बनाया जाए, जहाँ पे बैम्बू के बेड हों, जहाँ पे बैम्बू की कुर्सियाँ हों, जहाँ पे बैम्बू कढ़ाई हो, जहाँ पे बैम्बू बिरयानी हो, जहाँ पे बैम्बू चाय हो, बैम्बू का कावा हो, और एक ऐसा खूबसूरत माहौल हो, परिंदों की चहचहाट हो, कुदरती ऑक्सीजन हो। तो हम चाहते हैं कि लोगों के लिए एक ऐसा रिक्रिएशनल स्पॉट क्रिएट करें जहाँ पर लोग आएँ तो वो नेचर को इन्जॉय कर सकें। और बैम्बू जो है ये एक नेचुरल ट्री है। आप देखें बैम्बू जो है इसकी जो 4 साल फसल है और वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर एक किसान जो है वो अपने इलाके के अंदर अपने ज़मीन में बैम्बू बोता है तो 1 एकड़ जो है उसे 10 लाख रुपया देता है। कोई फसल इतने पैसे नहीं देती। और अगर उसी को वो प्रोसेस कर ले तो ये 10 लाख जो है ये 20 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम बहुत सी टेक्नोलॉजीज में बहुत पीछे हैं, हमें चीज़ें समझ आने में देर लग जाती, पता नहीं हम क्यों
चीज़ें समझने में देर कर देते हैं। दुनिया हमसे बहुत आगे चली गई है। अभी जैसे आप बता रहे थे कि चाइना में वो जो इसमें एक कंसोर्शियम बनाया उन्होंने, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन, तो उसमें इंडिया और बहुत से ममालक इसके मेंबर हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों में बैम्बू की फार्मिंग के हवाले से, इसकी अकसाम के हवाले से, इसके यूज़र्स के हवाले से, और इसके साथ जो प्लास्टिक को वो डोमिनेट कर रहे हैं। चाइना की पूरी कोशिश है कि बैम्बू को प्लास्टिक के अल्टरनेट के तौर पे दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि बैम्बू जो है ना, इसके अंदर एक कुदरती तौर पर रेजिलियंस है, जो प्लास्टिक में रेजिलियंस होती है, जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है प्लास्टिक की, वो स्ट्रेंथ जो है वो बैम्बू में मौजूद है, लेकिन ये खुद ब खुद डीकम्पोज हो जाता है, लिहाजा ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल सही। चाइना का जो सबसे दूसरा बड़ी ताकत है, जो आप कह रहे थे हम क्यों आगे नहीं बढ़ते, मेरे ख्याल में हमारा नौजवान जो है ना वो पकी पकाई खाने का शायद आदी हो गया है। आप देखेंगे हमारे नौजवान जो है वो स्टडी के बाद जो सबसे पहली चीज़ करना चाह रहे होते हैं वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं। हम चाइना ने तरक्की कैसे की है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी थी, चाइना ने जो है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उन्होंने अपने नौजवानों को सिखाया छोटी छोटी प्रोडक्ट्स घरों में तैयार। आप टूथपिक की मिसाल ले लें, टूथपिक जो है कितना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, टोटली 100% इंपोर्ट हो रही है, 100% टूथपिक इंपोर्ट हो रही है, की वो स्टिक जो है बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो वो तमाम चीजें प्रोडक्ट बैम्बू की हैं। जितना टूथपिक है वो बैम्बू से बन रहा है, जो बेकरी की वो जो स्टिक्स हैं वो बैम्बू से बन रही हैं। अब तो हम देखें कि मिट्टी के बर्तनों पे फंसे हुए, अब तो बैम्बू के बर्तन जो हैं पूरी दुनिया के अंदर ये जाना गया है कि यार ये जो बैम्बू के बर्तन ना सिर्फ ये कि हेल्थ के लिए ये ज़्यादा कंड्यूसिव है, बेहतर है, बल्कि इसके साथ साथ ये डीकम्पोज भी हो जाते हैं, इनके टूटने का खतरा भी नहीं है। तो चाइना की मिसाल को सामने लेते हुए हमें अपने नौजवानों को एक तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, पाकिस्तान बैम्बू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या किसी तरह, या उस कंसोर्शियम का हमें एक्टिव मेंबर बनना चाहिए जिसमें 50 से ज़्यादा ममालिक हैं, कि हम जो है वो ये देखें कि दुनिया बैम्बू से काम क्या ले रही है, और वो काम जो है अगर हम खुद से नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट रेप्लीकेट तो कर सकते हैं। और चीन से हमारी दोस्ती हमालिया से बुलंद और बैर अरब से गहरी, तो मेरे ख्याल में जहाँ पे हम चीन से बाकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जहाँ से हम डिफेंस के शोबे में चीन से मदद ले रहे हैं, वहाँ पे हमें ज़राअत के शोबे में चीन से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम सीखें, और हमारा नौजवान खास तौर पे यूट्यूब का दौर है और इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, अमेज़ॉन पे, अलीबाबा पे, द्रास पे, हमारे पास करने को बहुत कुछ है। थोड़ी सी हमारे नौजवान को लाइन ऑफ एक्शन देने की ज़रूरत है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर वो थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल कर लें हैंड्स ऑन, उनका वो जो रिस्क फैक्टर है, जो उनके दिमाग में खौफ लाख होता है कि भाई वो हम कहीं शिकस्त ना खा जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए, हमें अपने इलाके के नौजवानों को थोड़ा ट्रेन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जिस तरह से डिस्कवर पाकिस्तान जो है ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि भाई आप इन चीज़ों को सिर्फ ना देखें, ज़रात जो है ये बताते खुद एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का जो फोकस है, जो सबसे बड़ा मैंने देखा है, वो ये है कि आप ज़रात को इंडस्ट्रियलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। आप हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं कि ये एक जरी प्रोडक्ट है, इसको इंडस्ट्रियलाइज कैसे किया जा सकता है, तो बैम्बू जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसके एक्सपोर्ट के पोटेंशियल कितना मौजूद है इस इंडस्ट्री के? पाकिस्तान से अभी भी बैम्बू जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास इसकी कोई खास पॉलिसी नहीं है बैम्बू एक्सपोर्ट की, इसलिए शायद हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से प्राइसेस गिरती हैं। आप देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है बैम्बू चाइना कर रहा है, दूसरे नंबर पर इंडिया कर रहा है, फिर श्रीलंका कर रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे, हालांकि हमारे पास नंबर है ही कोई नहीं। अच्छा, जो दूसरी बात यह है कि हमने अभी बैम्बू को यूज़ करना भी शुरू नहीं किया। बिल्कुल, आप देखें कि सिंध में सैलाब आया, इतना बड़ा सैलाब, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देख रहे थे कि अब वो मकान बना के देंगे, कब लोग उसमें रहेंगे, कब टेंट भेजेंगे। बैम्बू जिस मुल्क में इतना पैदा होता हो और जिस मुल्क के अंदर बैम्बू प्रोसेसिंग इतनी बड़े पैमाने पर होती हो, अगर हुकूमती सतह पर हम ये चाहते हैं कि 10 दिन में हमने उन सैलाब जदगान को दोबारा रिस्टोर करना है, उन्हें रिहेबिलिटेट करना है, तो हम बैम्बू के घर बना के आसानी से उन्हें रिहेबिलिटेट कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी पटारी में तो पड़ी हैं लेकिन अब हम निकाल के उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे, तो बैम्बू को यूज़ करने की ज़रूरत है। जब ये यूज़ नहीं होगा तो प्राइस गिरेगी, जब डिमांड इसकी हमें बैम्बू को यूज़ करना सीखना पड़ेगा क्योंकि हमने पौड़ियाँ सीढ़ियाँ बनाने के अलावा बैम्बू से ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। मेरे साथ हैं जी असलान शहजाद साहब, इन्होंने पतोकी में एक जो है हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा बनाया हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग्स देते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो हॉर्टिकल्चर इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है इसके क्या काम है, और बैम्बू की फार्मिंग के हवाले से ये किसान को किस तरह की रहनुमाई देते हैं। कैसे हैं असलान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया। असल में सर पत्तों की आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर में बड़ा काम कर रही थी, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर इससे रिलेटेड प्लांट्स रिलेटेड काम हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी हमारे यहाँ पे फार्मर थे
अनएजुकेटेड थे और उनको एक आप कह सकते हैं कि एकेडमिक्स और जो अपना फील्ड गैप था, मतलब जो रिसर्च है बेसिकली रिसर्च इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। हमारे जो फार्मर इधर आते हैं वो काम तो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मतलब इसको एशिया की एक सबसे बड़ी नर्सरी भी काउंट किया जाता है, लेकिन कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं है, लोग अपनी अपनी बलबोते पर कर रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो कर रहा है, तो कम्युनिटी बेस्ड काम नहीं हो रहा था। तो उसको लेके हमने ये स्टार्टअप लिया बेसिकली कि हम जो लेटेस्ट रिसर्च टेक्निक्स हैं उसको अप्लाई करें, अपनी पत्तों की मार्केट में लेके आएँ, ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, पर एकड़ यील्ड हम बढ़ा सकें, एसटीएस सिस्टम जिस तरह स्मार्ट सिस्टम है, हाई डेंसिटी फार्मिंग है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, जो इस टाइम आपको पता है पाकिस्तान में 4 करोड़ के करीब अनएम्प्लॉयड लोग मौजूद हैं, जिनके पास 16 ईयर मास्टर की डिग्रियां भी हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, पत्तों के बारे में बताता चलूं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पौधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम यहाँ से पौधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएई की तरफ और गल्फ में जा रहे हैं पौधे, और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं कर रही, इस पर थोड़ा सा ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो उस हवाले से हमने अपने अदारे काम किया आज से 4 साल पहले, और उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हम काम कर रहे हैं। और इसमें एक और आपको, आपने भी सवाल किया कि जी बैम्बू से रिलेटेड, तो सर देखें बैम्बू जो है पाकिस्तान के 4 या 5 जिलों में इसकी काश्त हो रही है, सरगोधा, मंडी, बहाउद्दीन, हाफजाबाद, शेखुपुरा या कसूर में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आम किसान को उसके बारे में पता भी नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया के, उनके थ्रू हम एक अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में। आपको पता है कि हमारा लाखों एकड़ रकबा जो है वो सेम और थोर का शिकार है, जो बिल्कुल बैरन लैंड्स है, किसी काम की नहीं है। हम ऐसी, हमने 2-3 वैरायटीज अभी चाइना से इंपोर्ट की हैं, अपनी नर्सरी में उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करके देख रहे हैं, स्ट्रेस करके कि क्या वो कामयाब है या नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे चोलिस्तान या थल के इलाके हैं, थर पार्कर का एरिया जो हजारों एकड़ बेकार पड़ा है, वहाँ पे इस चीज़ को कामयाब करें। वाह जबरदस्त। इसके अलावा सर हम नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हम अगला जो हमारी एक और मिशन जो है, पर एकड़ जो हमारी यील्ड है उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब अगर हमारा फार्मर 3000 बांस के प्लांट से मिलती है आउटपुट, तो हम चाहते हैं कि चाइना में 5000 पे वो काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तान के अंदर पर एकड़ यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकें। और इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, आपको पता है अमेजन इट से ईबे का दौर है, लोग यहाँ से बैठ के, इंडियंस लोग हमारा हिमालिया का साल्ट उठा के अगर अमेजन पे बेच सकते हैं, तो हम अपनी इसकी वैल्यू एडिटिव प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते। तो इसके ऊपर सर 2-3 आइडियाज है, मैं अपने यूथ के साथ शेयर करूंगा। एक तो आजकल एक बैम्बू डायपर आया हुआ है, बैम्बू डायपर्स एंटीबैक्टीरियल है और वो रीयूजेबल है, जिस तरह नैपी सिस्टम होता था उसको आप 50 टाइम्स तक दोबारा उसे वॉश करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह बैम्बू के फाइबर्स के ऊपर, बैम्बू के क्लोथिंग के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इसकी एक्सट्रक्शन करके, इसके अंदर से पल्प निकाल के इसकी प्रोसेसिंग आप छोटे लेवल पर कर सकते हैं। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कुछ चाइना के साथ हमारा अगर सिस्टम बन जाए, ऐसा छोटी छोटी इंडस्ट्री मंगवा के अपने एरिया में, देखें कास्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से इसकी कराची ले जाके इसकी प्रोसेसिंग करना है, कॉस्ट ज्यादा आएगी, यहाँ पे अपने हम नौजवानों को तरबियत दें, उनको ट्रेनिंग दें, कोई थोड़ा सा पब्लिक प्राइवेट वेंचरशिप अगर हमें मिल जाए तो उसके ऊपर हम काम करके रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की है, पूरी दुनिया में होता भी यही है कि यहाँ पे फार्म जो है ना, चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाती है। जिस इलाके में जो जो चीज़ उगाई जाती है वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाती है। इसको हम कलम बांस कहते हैं, उसका टेक्निकल नेम है डेंड्रोकलमस लॉन्गिस्फेटस। कंगी हम इस्तेमाल करते हैं, हर बंदा प्लास्टिक की कंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, वुडन कॉम, उसके मेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बड़े फायदे हैं, और हाँ जी बैम्बू से बिल्कुल एक, मतलब इसको कुछ मुश्किल ही नहीं बनाना, और आप 10,000 रुपए के काम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हम नहीं कर रहे, टूथपिक वाली बात ऑलरेडी हो चुकी है, वो नहीं कर रहे। इसके अलावा फर्नीचर पे बहुत पोटेंशियल है, इसको ग्रीन स्टील कहा जाता है, ये जो बैम्बू है इसमें बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेस, इसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसका सोफे बन सकते हैं, इसका बेड बन सकते हैं, मतलब इस बड़े जबरदस्त किस्म के इसके फर्नीचर बना के इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। लेकिन वो अभी हम नहीं काम कर रहे, उसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए, लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें पब्लिक प्राइवेट वेंचर को सरकार थोड़ा
हमें गाइडलाइन दें, क्योंकि इसके लिए वसाइल चाहिए, हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियंस भी चाहिए, लेकिन हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसके ऊपर हम पूरा कंटेंट भी बना रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मार्केट में लॉन्च करेंगे। अगर हम नर्सरी की बात करें तो जैसा आपने कहा पतों की में ये रिसर्च अदारा बना हुआ है आपका हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट जो है, इसमें टिश्यू कल्चर का जो पौधा है और बाकी हमने देखा है कि बाकी पौधों में वो डिजीज़ फ्री पौधे होते हैं बिल्कुल, तो इसमें कितना आपका जो अदारा काम कर रहा है? सर अभी क्योंकि हमारा स्टार्ट है और इसके अंदर आपको पता है टिश्यू कल्चर की प्रॉपर लैब्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो अभी हमारे पास वो वसाइल नहीं है, लेकिन उस तरफ हम जाएंगे, हम अपने बलबोते के ऊपर जो चीज़ें वराइटीज़ मंगवा के उसे अपनी नर्सरी में तैयार कर रहे हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। अभी हमारे पास लैब्स वगैरह का नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा अज़म है, हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और मुस्तकबिल में हमें कोई टिशू कल्चर लैब मिलेगी, उसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स उसको चेंज करके जेनेटिकली को हाई लेवल पे काम करेंगे। इस हवाले से हमने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं कि अगर उनकी लैब्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके बच्चों को बतौर रिटर्न इस मार्केट के अंदर लाया जाए, और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके कोई प्रैक्टिकल फील्ड में काम हो रहा है उसके ऊपर हम उन्हें वो मॉडल्स दें कि वो लैब्स में काम करके सर्टिफाइड नर्सियां बनाई जाएं। जी जी बिल्कुल, उससे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगी, नौजवान भी खुशहाल होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले भी बनेंगे, और हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमाएंगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की बात है सारी। ये जो आपका अदारा है हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट पत्तों की जो है, ये किस तरह फार्मर को ट्रेनिंग के हवाले से किस तरह आप इसको फैसिलिटेट सर? इसमें सबसे पहले हम पूरा एक अपना जो है ना रिटन फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम शुरू से जमीन की तैयारी से लेके इसको लगाने से लेके इसकी आपने पेस्टिसाइड कैसे कवर करना है, इसका फर्टिलाइजर कैसे कवर करना है, इसकी आपने हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, ऐसे मार्केट मुकम्मल एक कोर्स है हमारे पास बिल्कुल, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ताकि देखें इन एरिया, ये मैंने बताया जो 5 जिलों के अलावा पाकिस्तान में कहीं भी लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, हमारा पूरा पाकिस्तान इसके लिए फिट है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये जो हार्ड लैंड है जो बिल्कुल वहाँ पे पर एकड़ यील्ड कम है, जिम्मेदार वहाँ पे कुछ करते नहीं, वहाँ पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ताकि इसकी जो ज्यादा से ज्यादा पर एकड़ यील्ड को बढ़ाया जा सके। तो सर उसके ऊपर हम मुकम्मल काम कर रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह हमारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर या हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जिम्मेदार आए आके देखे, हम अपने भाइयों के लिए अपने किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं कि इसकी ज्यादा से ज्यादा काश्तकारी करें। और देखें सर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ऐड करूँ, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी चल रही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पाकिस्तान चौथा नंबर पर डिक्लेयर किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से, तो इसका एक ही हल है कि हम मैक्सिमम जो है ना वो कल्टीवेशन करें, पौधों को उगाएं। तो इसमें देख लें कि एक जो आम दरख्त है 30% उससे बैम्बू का ट्री ज़्यादा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस कर रहा है, इसका इम्पैक्ट देख लें कि आने वाली नस्लों के ऊपर है, ये तो हम इसका सोशो इकोनॉमिक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसका एनवायरनमेंटल ये है कि ये जितने ज़्यादा हम इसकी काश्त करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन अच्छी होगी, उतना हमारी ये स्मॉग वगैरह और पोल्यूटेड एयर से जान छूटेगी, आपकी हेल्थ आपकी जितने डिजीज हैं वो कम होंगे, और आपकी सेहत पे भी इम्पैक्ट है, और आपकी आने वाली नस्लों की प्रोस्पेरिटी की बात है। तो बैम्बू सिर्फ एक मतलब कि इसके इकोनॉमिक या सोशल इम्पैक्ट से अलावा इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। जी जी बात, तो हम इस पर सर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और अब हम अपने बलबोते पे अपने जितने को वसाइल हैं उसके उनको कारामद लाते हुए कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा जी। इंशाल्लाह बेहतरीन जी। अभी मेरे साथ मौजूद है इमरान सत्तार साहब, इमरान सत्तार साहब DFO हैं जो छांगा मांगा के डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ये PFI के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स हैं, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक अदारा है जो फॉरेस्ट के ऊपर पढ़ाता है। तो इमरान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने एक एज ए एक्सपर्ट हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम देखें कि पाकिस्तान में जो बैम्बो की फार्मिंग है ये कौन कौन से ऐसी वराइटीज़ हैं जो पाकिस्तान में कामयाब हो चुकी हैं आपके आपके हिसाब से? जो हमारा PFI रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने पाकिस्तान के अंदर और अपना बाहर के ममालिक में भी यानी रिसर्च का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ छांगा मांगा जंगल के अंदर हमारा जो गट वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे हमारे 5-6 स्पीशीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं, और उन तमाम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मार्केट के हिसाब से जैसे भी किसी ज़िम्मेदार को या डिपार्टमेंट को फ़ायदा होता है वो उस हिसाब से वो स्पीशीज़ लगाता है, तो जो हमने इधर छांगा मांगा जंगल के अंदर लगाई हुई हैं वो डेंडरो कैलमस गिगांटियस और डेंडरो कैलमस हैमिल्टोनी और इसके अलावा बम्बूसा स्पाइनोजा और बम्बूसा वल्गैरस, ये मेजर स्पीशीज हमने लगाई है। इसको हम कलम बांस कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है डेंडरो कैलमस लॉन्गिस फिटस। ये डेंडरो कैलमस हैमिल्टोनी है,
इसको हम गुड्डी बांस भी कहते हैं, क्योंकि ये गुड्डियाँ बनाने में, पतंग बनाने में इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा उससे बारीक रहता है। ये जी आप देखें, ये कांटों वाला बांस है, इसको बैम्बूसा स्पाइनोजा कहते हैं, और ये बाड़ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर कोई ना जानवर भी नहीं घुस सकते। हमारे किसान के लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि हम जब वेस्ट की वेस्ट को भी सोना बनाकर जब तक वो पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, वो एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। अभी हमने आज बैम्बो के फार्म के ऊपर जब आए हुए हैं, तो हमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पत्ते यहाँ पे बैम्बो के निकलते हैं, इसके ऊपर दुनिया बड़ी ज़बरदस्त इसकी डाई बना के वो प्लेटें बनाती है, इसके कप बनाती है। इसके लिए जस्ट एक डाई की ज़रूरत होती है। आपने यही जो पत्ते हैं, अब देखें बैम्बो के हर जगह पे पत्ते हैं, आपने इसको डाई बनानी है, डाई बना के इसके ऊपर प्रेस लगाना है और ये डिस्पोजल प्लेट बन जानी है। इस डिस्पोजल प्लेट को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और डिकम्पोज हो जाएगी, इसके लिए प्लास्टिक की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तक आप जानते हैं कि ये जो चुवाड़ी बांस है, जिसको हम डेंडोक्लमस गिगेंटियस कहते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। और अगर फार्मर चाहता है कि वो अपने जो फार्म लैंड है उसको साइडों से बंद करे, तो उसके लिए हमारे पास बैम्बूसा स्पाइनोजा, जिसके बड़े अच्छे कांटे होते हैं, और बाढ़ से जो भी जानवर भी उसकी ज़मीन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। और इस तरह ऐसे बाढ़ इसको जी ऐसे फार्म की बाढ़ के तौर पे बाढ़ की बाढ़ है, और उसके पोल भी आपको हम अभी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, साथ ही लगे हुए हमारे पास। और यहाँ पे जो हमारे पास जो आप देख रहे हैं जो सर्च प्लाट लगा हुआ, ये 85-86 में लगा था, बिल्कुल। उस वक्त हमने यहाँ पे 9-10 एकड़ पे ये वाला बांस लगाया, और इसके अलावा उसके बाद हमने जब देखा कि ये चुवाड़ी बांस है, इसका बहुत फ़ायदा था, फिर 5 एकड़ हमने मजीद यहाँ पर 214 खेत में लगाया। पाकिस्तान में चुवाड़ी बांस जो है ये किसानों के लिए भी ज़्यादा मुनाफा देने वाला स्पीशी है, और हमें पाकिस्तान की में ज़रूरत भी इसी बात की है जी। तो आप ये जो नुकेल दोनों बैम्बोज में क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क है जिसकी वजह से आप चुवाड़ी बांस को प्रेफर कर रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है? चुवाड़ी बांस की एक्सट्रैक्शन इजी है, हाँ जी, उसकी कटिंग कन्वर्शन और कैरिज इजी है, बिल्कुल। और स्पाइनोजा को चूंकि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें निकालना बड़ा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी हमारा फार्मर बांस को डिज़ाइन करता है, प्लान करता है कि मैंने बैम्बो फार्मिंग पे जाना है, तो किस तरह की इन्वायरमेंट या किस तरह की ज़मीन का स्ट्रक्चर जो है बैम्बो फार्मिंग को सपोर्ट करता है? तो ये जो हमारी मैदा ज़मीन होती है, ये तो सबसे अच्छी है इस हवाले से, बेहतरीन, और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है जी। और या आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कसूर है या कलर ज़्यादा एरियाज भी हैं, तो ये उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए ज़मीन की, बिल्कुल ठीक है, या थोड़ी सी बल डाल लें, और बल के साथ अगर जिप्सम डाल लें, तो फिर एक दफ़ा जब इसकी ग्रोथ हो जाती है, हाँ जी, कलर ऊपर ही होता है, थोड़ा सा 2 फुट नीचे अगर जब जड़ चली जाती है, तो फिर इसको कोई मसला नहीं होता। तो उसके लिए कौन सी वरायटी ज़्यादा बेहतर होती है कलर वाली ज़मीन के लिए? यही जो हमारा जो चुवाड़ी बांस है, डेंडोक्लमस गिगांटियस, यही यानी उसके लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो मेरा साहब बड़ा इनकलाब है कि अगर जैसे ज़मीन की बहाली के लिए जो बायोमास है, इसके पत्ते जो गिरते हैं, ये ज़मीन को जो है ना इतना बुरबरा कर देते हैं, उसको नरम कर देते हैं, उसको काबले काश्त बना देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर और भी बेहतर है कि हमारी वो ज़मीनें जो कलर आठी ज़मीनें हैं, अगर थोड़ी सी स्टार्ट में मेहनत कर ली जाए, तो इससे तो हम बहुत अच्छी जो अपनी ज़मीनों की बहाली का भी काम ले सकते हैं बैम्बो फार्मिंग से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने देखा इतना बायोमास इसका गिरा है नीचे, और पहले ये भी थोड़ा सा हमारा एरिया कलर वाला, हमारे जंगल का तकरीबन कोई 30% एरिया जो उसमें कलर है, ठीक, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कलर था, लेकिन जब से ये लगा है, हाँ जी, उसके बाद बायोमास गिरा है, तो आप देख रहे हैं कि पिछले यानी तकरीबन 30 साल से लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन। तो सर ये बताइए कि इसका जो फी एकड़ कितने पौधे आपने लगाए हैं, और फार्मर को कितने पौधे रिकमेंड करते हैं? हमने तो चूंकि प्योर इसी की प्रोडक्शन लेनी थी, तो हमने 20x20 पे लगाया, हाँ जी, तो ये तकरीबन 110 पौधे जो है ना हमारे फी एकड़ के, फी एकड़ 20x20 पे। और फार्मर कितने पे इसको? फार्मर को चूंकि उसने बीच में फसल वगैरह लगानी होती है, तो हम उसको भी यही रिकमेंड करते हैं कि वो 20x20 पे लगाए, हाँ जी, और पहले 2 साल वो फसल ले सकता है। इसका मतलब इंटरक्रॉपिंग इसके साथ की जा सकती है? जी, पहले 2 साल तो बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल, हाँ जी। और इसका इतना आपने देखा होगा, पहले 2 साल इसका कोई इतना ज़्यादा साया भी नहीं होता, और फसल भी अच्छी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें फिर अगर हम बात करें खर्चे की, तो फी एकड़ कितना खर्चा आता है लगाने का? ये हमारा तकरीबन 65,000 पर एकड़ हमारा खर्चा आता है, ठीक है, इसका लगाने का। मतलब इसका मतलब पौधे तो बड़े सस्ते हैं इसके जो है ना? जी बिल्कुल, 100 रुपये का बड़ा अच्छा पौधा इसका अवेलेबल है, बिल्कुल मार्केट में। तो ये फिर इसमें आप देखें कि अगर हम ये जो पौधे की नर्सरी तैयार की जाती है,
ये शूट से तैयार करते हैं इसको, टिश्यू कल्चर करते हैं, किस तरह इसकी नर्सरी बनाई जाती है? जी, इसकी शूट कटिंग से की जाती है। आप तीन बड ले लें उसकी उसको, लेकिन वो आपने आरी की मदद से काटना है। ठीक। हाँ जी, उसका 1.5 फुट का ले लें आप पीस शूट का, उसमें तीन आँखें होंगी। ठीक। तो एक जमीन के अंदर चली जाए, ये अपना 10वें महीने में 11वें महीने में इसकी नर्सरी आप लगा लें। बिल्कुल। जमींदार खुद भी इसकी नर्सरी लगा सकता, मुश्किल कोई नहीं। लेकिन 65,000 रुपये खर्चा आएगा अगर वो खरीद के लगाएगा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें फिर ये बताइए कि जब ये जमीन में बांस लग गया, फिर इंटरक्रॉपिंग 2 साल ये भी कर ली, तो इसमें क्या किसी तरह की कोई फर्टिलाइजर भी यूज़ की जाती है बैम्बू फार्मिंग के अंदर? हाँ, एक तो वो है जो जमींदार अपनी फसल को लगाते हैं खाद, तो वही इसके लिए इनफ होती है। तो अगर प्योर लगा रहे हैं आप, तो आप पर एकड़, हाँ जी, एक बैग यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं जो बांस की कटाई के हवाले से हमारे फार्मर के लिए, आप क्या हदायत देंगे? जी बिल्कुल, 3 साल बाद इसकी क्रॉप तैयार हो जाती है। ठीक। हाँ जी, तो हम तो जो हमारी प्रैक्टिस है यहाँ जंगल के अंदर, हम तो जो सॉलिड होते हैं, जो छोटे मच्योर डंडे होते हैं, हाँ जी, उनको हम नंबरिंग करते हैं, फिर उन्हीं की कटाई करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो जिमीदार वैसे एक ही दफ़ा काट लेता है सारे, क्योंकि आजकल जो छोटी छड़ियां हैं सब्जी वगैरह लगाते हैं उसको ऊपर देने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वो सारी इसकी एक एक चीज़, यानी बारीक भी इस्तेमाल हो जाता है और मोटा डंडा भी इस्तेमाल हो जाता है और बारीक छड़ी भी इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही। तो इसमें नए कॉम्पल हैं, जो नए शगुफे निकलते हैं, वो कौन सा टाइम होता है इसका नए शगुफे निकलने का, और कटाई का मौसम कौन सा होता है, इसमें क्या फ़र्क है दोनों? जी जी, कटाई तो सर्दियों में करनी चाहिए, हम दिसंबर में मार्किंग करते हैं और दिसंबर और जनवरी में काट लेते हैं। ठीक। हाँ जी, और जब बरसात आती है तो बरसात में इसके नए शगुफे निकलते हैं फिर। हाँ जी, वो इसकी बहुत तेज़ ग्रोथ है। हाँ जी, ये है तो बेसिकली ये ग्रैमनी फैमिली की, घास फैमिली का कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है, जी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है वो ये बैम्बू। ये ना, ये 50 फीट का, यानी 3 साल के अंदर हो जाता है, बड़ी ग्रोथ है, 12-13 फीट पर ईयर इसकी ग्रोथ है। तो इमरान भाई, जिस तरह अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में बैम्बू फार्मिंग जो है अभी नया एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, दुनिया इससे बहुत बड़ा जो है ना डिफरेंट तरह के काम ले रही है, तो हमारे फार्मर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए एक्सपर्ट से, जो है आप एक बड़े एक्सपर्ट फॉरेस्टर हैं, तो किस तरह इसको अडॉप्ट किया जा सकता है इस बैम्बू फार्मिंग को? वो ज़िम्मेदार जो अपनी ज़मीन को टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए ये इंतहाई प्रॉफिटेबल है, यानी बहुत कम आपने वेस्ट करना है और बहुत अच्छी, ये आप बाकी फसलों से कंपेयर कर लें, गन्ने से ले लें, दूसरे से, इसका यानी 10 से 15 लाख जी, यानी इसका रेवेन्यू है 3 साल बाद। बिल्कुल। ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 साल बाद बहुत अच्छा रेवेन्यू है। अगर हमारा फार्मर को समझ आया कि 10-15 लाख रुपए हम प्री एकड़ इससे कमा सकते हैं, तो ये तो बेहतरीन इसकी जो है ना इकोनॉमिक्स है इसकी। जी, इसीलिए तो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा, तहसील चूनिया में, हाँ जी, बहुत सारे ज़िम्मेदार इस पे आ गए हैं और बहुत अच्छे मुनाफा कमा रहे हैं। ये इस लिहाज से भी प्रॉफिटेबल है ना कि इस पे कोई पेस्टिसाइड का कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, ठीक है। और हम पिछले 20 साल से इधर देख रहे हैं, किसी किस्म की कोई ना कोई कीड़े का अटैक है, ना कोई बीमारी का अटैक है, और बिल्कुल बड़े हेल्दी पोल हैं, तो यहाँ पे 0 यानी खर्चा है, यानी बिल्कुल पेस्टिसाइड का। बिल्कुल ठीक। पिछले दिनों रिसेंटली इंडोनेशिया का विजिट करके आया, वहाँ पे मैंने देखा कि बाली में एक पूरा एक ग्रीन विलेज बनाया हुआ, तो ग्रीन विलेज बेसिकली एक जो है पूरा बैम्बू आर्किटेक्चर का एक शाहकार है, तो उन्होंने किस तरह पूरी दुनिया के लोगों को एक ग्रीन जो विलेज है, ग्रीन लिविंग है, ग्रीन आर्किटेक्चर है, इसके अंदर लेके आए किस तरह हम जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली घर बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल है हम आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे। उनको हम इंपोर्ट करके प्लांटेशन कर सकते हैं, उसको पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। जी हम आ गए हैं जी ग्रीन विलेज इंडोनेशिया में, यहाँ पे पूरा बैम्बो का एक टूरिज्म विलेज है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह उन्होंने बैम्बो के साथ ही ग्रीन विलेज का साइन लगाया हुआ है, यहाँ पे भी बैम्बो के ऊपर ही उन्होंने ग्रीन विलेज का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो हमारे जो फार्मर हैं वो भी इसी तरह बैम्बो के साथ ही लो कॉस्ट इसके ऊपर, देखिए कोई खर्चा नहीं आया हुआ, ये बांस पर लगा हुआ है और बांस के ऊपर ही उन्होंने ग्रीन विलेज जो लिख दिया गया है। तो ये अंदर चलते हैं। अब देखिए जी उन्होंने बैम्बो के ही डिफरेंट तरह के साइन बोर्ड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है मुख्तलिफ अपने जो इचो हाउस है, मुख्तलिफ तरह के जो घर हैं, तो पूरा आर्किटेक्चर जो है ना इसका यहाँ पे बनाया गया है पूरा। देखिए जी किस तरह यहाँ पे जो है पूरा बैम्बो के पिलर्स पूरे इसके बनाए गए हैं, उन्होंने इसकी बेसमेंट
खड़े किए हैं सारी आपस में। इसका अगर आप मेरे पीछे देखें तो पूरा जो इसका हट्स बना हुआ है कोई आप देखें, सारा ऑफिस भी इसको इस्तेमाल किया गया है, वो भी सारा बैम्बो का ही बनाया गया है। पाकिस्तान जो है एक इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर बन चुका है, 48वां मेंबर है। और इसकी वजह से भी पाकिस्तान में जब जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो बहुत से बैम्बू इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देखना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा दुनिया में बैम्बू जो है वो चाइना में पाया जाता है, फिर और मुल्कों में है इसके साथ साथ। तो पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि हम बैम्बू की जो इसकी फसल है जो फार्मिंग है इसको हमारे फार्मर जो है जो 50,000 एकड़ पर बैम्बू लगा हुआ है उसको बैम्बो टूरिज्म के तौर पे किस तरह ले सकते हैं, वो किस तरह अपने अपने गांव को बैम्बो टूरिज्म विलेज बना सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं ज़रा। जी, इसमें बड़ा आसान तरीका है और बड़ा ही आसानी से हमारे ज़िम्मेदार इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बैम्बो की जो वैरायटीज़ दुनिया में कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतरीन वैरायटीज़ है, ठीक है, उनको हम इम्पोर्ट करके प्लांटेशन कर सकते हैं, उसको पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही हमारे फॉरेस्ट बनना शुरू होंगे हम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएंगे। हम उसको सबसे पहले इंडिजिनसली अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने गांव की डेकोरेशंस के लिए, अपने गांव में हट्स के लिए, मकानों की तामीर के लिए और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो पूरी दुनिया में एक तो एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरा उसके बाद उसके साथ छोटी इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट्स की हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो इससे बनती हैं, इवन इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें यूटेंसिल्स की इस्तेमाल की जाती हैं, बच्चों की स्टेशनरी की बहुत आइटम्स बनती हैं, इवन कलम दवात से शुरू कर लें आप वहाँ तक हर चीज़ इसी से बन रही है। तो उसको हम बहुत प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में राणा रिजॉर्ट इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो बिल्कुल बम्बू पे बेस करता हुआ एक रिजॉर्ट बनाया गया है। इस तरह के बहुत से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंक्स मौजूद हैं जहाँ पे हम इसको इन्वेस्ट करके एक अच्छी इंडस्ट्री को क्याम में ला सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बैम्बो टूरिज़म फार्म्स हैं वो अगर हमारे फार्मर अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएंगे और उसकी वहाँ पे रहने के भी पैसे पे करेंगे और इस तरह जो शहर के लोग हैं वो गांव में आएंगे और गांव में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जो आपने एपीओ की जो अभी आप जिस तरह मैंने अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि आप एक ट्रेनिंग भी ली है तो उसमें विलेज को किस तरह किस बेस पे जो है ना कम्युनिटी बेस्ड जो टूरिज्म है उसके लिए इस तरह बैम्बो का क्या थीम लाया जा सकता है? जैसे कसूर में हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैम्बो ग्रो किया जाता है तो वहाँ पे ऐसे गांव का कितना पोटेंशियल है ये भी बताएं ज़रा। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली एपीओ की ट्रेनिंग यहाँ पे बाली में हुई है तो उसके अंदर सीबीटी के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा और डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। उन्होंने बताया जी सीबीटी कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म जोन्स है, आपको दुनिया में कुछ भी एक स्पेशलिटी के साथ आगे चलना है, अपनी एक कम्युनिटी डेवलप करें, उसके बाद दुनिया को पूरी को बताएं, उसको डिजिटलाइज करें, उसको आप इंटरनेट अपनी सोशल मीडिया और अपनी हर जो भी इस वक्त आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए प्रमोट करें। उससे ये होगा कि दुनिया को पता चलेगा एक नई कम्युनिटी यहाँ पे आबाद होने जा रही है, बनने जा रही है या डेवलप हो रही है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ। इस वक्त एशिया पैसिफिक और जो इर्द गिर्द हमारे दूसरी रियासतें हैं उन सभी में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा है। इवन यूरोपियंस ने स्टार्ट कर दिया, बल्कि सोल्विया की हमारे साथ एक मौजूद थी खातून, उन्होंने बताया हम कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पे कैसल्स और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी और वास्ट मौजूद है जिसके अंदर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बम्बो एक बहुत सस्ती और बहुत ईजी अडोप्टेबल टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम कंस्ट्रक्शन में और मुख्तलिफ चीज़ों की डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं और हमें इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि बैम्बो टूरिज़म जोन सा है इस वक्त दुनिया में प्रमोट हो रहा है और बाली इस वक्त इसकी बेहतरीन डेस्टिनेशन है और यहाँ से हम बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि बैम्बो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और सीढ़ियाँ बनाने पर ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके मल्टीपल काम है और उन्हें हमें सीखना भी चाहिए। और जैसे हम एक कंसोर्शियम का हिस्सा है, 48 मुल्कों से हमें यही सीखना है कि वो इसमें क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सी वैरायटीज ऐसी हैं जिनको लगाना चाहिए और कौन सी ऐसी हैं जिनको हमें तर्क कर देना चाहिए, इसलिए वही आगे लेके चलना चाहिए जो दुनिया में ट्रेंड आ रहा है। देखिए जी, हमारे जो मुल्क का किसान है पाकिस्तान में वो जिस तरह आपने देखा कि वो बैम्बो फार्मिंग के साथ साथ ना सिर्फ वो बैम्बो फार्म से पैसा कमाएगा बल्कि अपने फार्म की अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बैम्बो टूरिज़म
और उसमें डिफरेंट सेगमेंट ऐसे बना दे जिससे वो बेहतरीन पैसा कमा सकता है, उसके फार्म की इनकम भी बढ़ेगी और जब किसान हमारा खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। तो बैम्बो टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान में जो एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिस तरह अभी आपने यहाँ पे इंडोनेशिया में देखा, जो पूरा ग्रीन विलेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और बैम्बो की चीज़ें बनी हुई, बैम्बो की ही जहाँ पे फूड है और बैम्बो के ही साथ ही वो इसको प्रेजेंट करते हैं। तो राणा रिजॉर्ट की मिसाल जो है, जैसे माजे साहब ने बताई है, हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं, वो भी दिखाते हैं कि किस तरह की उन्होंने एक्टिविटीज़ वहाँ पर जनरेट की हुई है और वो फार्म कितना टूरिस्ट वहाँ पर उस फार्म के ऊपर आता है और इस जो टूरिज़म से वो कितना पैसा कमाते हैं। आइए वहाँ पर भी चलते हैं। जैसे हम पहुंच गए हैं जी राणा रिजॉर्ट पे और ये राणा शौकत महमूद साहब का ये शाहकार है कि किस तरह पाकिस्तान में उन्होंने बैम्बो की फार्मिंग को प्रमोट किया, पूरे एरिया पे बैम्बोज लगाया और इसको एक उन्होंने टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप कर दी। अभी जैसे आपने देखा कि किस तरह इंडोनेशिया में बाली में मैं आपको लेके गया और वहाँ पे उन्होंने बैम्बो को आर्किटेक्चर, जिस तरह उसके घर बने हुए थे, जिस तरह उसे इंटरनेशनल टूरिज्म वहाँ पे आ रही थी और हम लकी हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही रिजॉर्ट मौजूद है जिस पर बैम्बो को लेके इन्होंने पूरा एक टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाई है। और हमारे साथ मौजूद हैं राणा कयूम साहब जो यहाँ पर जनरल मैनेजर हैं और इनसे जानेंगे कि राणा साहब ने ये किस विज़न के साथ ये जो बैम्बो फार्मिंग शुरू की और उसको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया और कितना टूरिस्ट आ रहा है, ये बताइए कि ये कितने एरिया पे बैम्बो की स्टार्ट में फार्मिंग स्टार्ट हुई थी? ये सर कोई 250 एकड़ पे है। बिल्कुल ठीक। ये राणा शौकत महमूद साहब की पुरानी अबाई, अपनी उनकी ज़मीन थी, उनका गांव भी इधर अबाई है। बिल्कुल। वैसे लाहौर में उनकी रहे। ठीक है। तो सियासत में भी रहे हैं, आपको पता है साहब को। तो उन्होंने फिर ना सोचा कि ये बाहर, वो भी आपको जाते मुल्कों में जाते थे और कहीं, उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आज से कोई 2004 की बात है, 3-4 की, उन्होंने फिर ना ये उनका वियन था कि ये एक बम्बू का जंगल बनाया जाए, लोगों को भी, बच्चों के लिए, हमारे मुल्क में नहीं है ऐसी, तो एक एंटरटेनमेंट बच्चों को भी पार्क में डेवलप कर दें। तो ये पार्क में कब शिफ्ट किया फिर इसको? ये कोई 2007-08 में फिर किया इसमें। 300-400 लोगों का वजह है रोजगार जो है ना, ये एक पूरा जो है ना डेस्टिनेशन बनी है यहाँ पे और पूरे इलाके की तरक्की है। कितना टूरिस्ट ऑलमोस्ट आपके पास आता है जुमे वाले दिन? अब जुमे को 15-20 स्कूल बच्चे आते हैं तकरीबन, उसमें 100+ या इस तरह बच्चे हैं, तो बच्चों को भी हम फर्दर डिस्काउंट देते हैं। नाइट स्टे के कमरे बने हुए, तो कितने रूम्स है यहाँ पे जो है? ये 25 के करीब रूम्स हैं। और तो वो भी ऑलमोस्ट टूरिस्ट यहाँ पे आता है, टूरिस्ट फैमिली जाते हैं, नाइट स्टे करते हैं, फैमिली बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। और क्या क्या चीज़ें इस राणा रिजॉर्ट की या बैम्बो टूरिज्म फार्म की आप चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन को पता लगना चाहिए कि आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं या आपके यहाँ मौजूद हैं? हाँ, बम्बू में काफ़ी चीज़ें, एक तो हमने आपने देखा हट्स बनाए हुए हैं सारे, उसमें चेयर बनाई हैं, मेज़ें हैं, काफ़ी बेंचेज हैं, काफ़ी बम्बू में बनाए हैं। जैसे अभी मैं राणा साहब से डिस्कस कर रहा था कि दुनिया में बैम्बू बिरयानी का भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट उन्होंने दिया हुआ है, को ये जो ग्रीन कलर का बैम्बू होता है उसको काट के ना इसके अंदर वो बिरयानी भरते हैं, इसमें चावल भरते हैं, इसके अंदर फिर वो गोश्त डालते हैं, उसको फिर वो बारबेक्यू की तरह पकाते हैं। तो बैम्बो का जो पानी होता है उसी के अंदर वो चावल पकते हैं, तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है। दुनिया में बैम्बो बिरयानी का बड़ा कंसेप्ट है, तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पे बैम्बो बिरयानी भी स्टार्ट करें। आपकी विरासत से हम नहीं इसमें कर रहे थे कि, लेकिन आप इंशाल्लाह ये भी हम शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक। इस तरह आपने बताया, हम अपने शेफ्स वगैरह को बताते हैं, तो उसके मुताबिक ज़रूर इसको भी हम लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। बेहतरीन। देखिए जी, बहुत बड़ा काम राणा साहब ने यहाँ पर किया है। मैं आपको चाहूँगा कि हमारे जो फार्मर हैं जो बैम्बो की फार्म को लेके किस तरह इसकी फी एकड़ पैदावार को बढ़ा सकते हैं, फार्म की इनको बढ़ा सकते हैं, चूँकि फार्म की इनको को बढ़ा के ही हम अपने मुल्क के जो है फार्मर को खुशहाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसे फार्मर को आपको मिला रहे हैं जो अपने फार्म की ना सिर्फ खुद
बैम्बो की जो प्रोसेस करते हैं, बल्कि इसके साथ अपने इर्द गिर्द के बाकी फार्मर को भी ये फैसिलिटेट करते हैं कि अगर कोई फार्मर प्रोसेस करना चाहे तो इनकी इस प्रोसेसिंग यूनिट को जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए इनसे बात करते हैं, जमान कसूरी साहब से। जमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताइए कि जो खुद प्रोसेस करने का जो ये ख्याल कैसे फिर आपके जहन में? जी सर, जो हमारे बड़े थे वाला साहब, वो पहले जिम्मेदार थे, तो ज़िम्मेदार में कुछ ज़्यादा इतनी अच्छी रकम नहीं मिलती थी। तो फिर हमने खुद अपना ये प्रोसेस किया कि बांस बाहर लेबर लगा के कटाई करके खुद इधर ले के आए। अच्छा। और फिर इसे प्रोसेस करके और फिर हम खुद आगे सेल करते हैं, इससे अच्छा मुनाफा बख्श मिलता है। बिल्कुल सही। और जो दूसरे फार्मर होते हैं जो ये काम नहीं कर रहे, वो भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, उन लोगों के हम फसल खरीद के और उसे खुद आगे प्रोसेस करके और आगे हम फिर बेच देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस किया जाता है, इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, यहाँ पे क्या क्या इस प्रोसेस यूनिट में क्या क्या किया जाता है? सर, इसमें दो तीन ये से चार लेबरें होती हैं, कुछ बंदे बाहर होते हैं जो बांस की कटिंग करके बांस लोड करते हैं। ठीक। उसके बाद ये फिर इधर प्लाट पे आता है और प्लाट पे आगे फिर इसे और एक लेबर होती है जो बांस नीचे उतार के और इसका साइज काटती है। बिल्कुल। और वो जो साइज वगैरह काट के दोबारा फिर और कारीगर होते हैं जो इन्हें सीधा करते हैं और इसे पीछे रखते हैं। बिल्कुल। और बांध के एक साइड पर रखते हैं, जो उसके बाद जो लेबर होती है वो फिर इसे लोड करती है। बिल्कुल ठीक। और ये हमारा बांस क्वेटा, सिंध, पेशावर, हैदराबाद, कराची, अफगानिस्तान, ये वहाँ जाता है और इसमें बहुत कम कास्ट आती है। तो इसमें ये बताइए कि क्या ये जो प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या काफ़ी मुश्किल काम है? ये अगर अपने बाकी फार्मर इस तरह की भट्टी लगाना चाहें, इस तरह काम करना चाहें, तो आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, मुश्किल काम तो सर कोई भी नहीं होता, करने से हर काम हो जाता है। बिल्कुल। और जो भी अगर कोई और करना चाहता है तो हमारे पास आके कोई मशवरा वगैरह ले लेना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि बैम्बू फार्मिंग को हमने आपको दिखाया कि किस तरह हमारे मुल्क का किसान जो है बैम्बू को ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के किसान में हमने देखा कि उसकी फ़ी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ पा रही और आज भी वो उसी तरह गुर्बत की लकीर के नीचे काम करने पर मजबूर है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे मुल्क का जो ज़मीनी जो हमारे या हमारी जितनी मौसमी हालात हैं वो बैम्बो की फार्मिंग के बहुत आइडियल हैं। हमने इससे इस्तेफादा लेना है। हमारे जो नहरों के किनारे हैं वो अभी सारे खाली हैं, हमारी दरियाओं के किनारे सारे खाली हैं, हमारी सड़कें सारी खाली पड़ी हैं और दुनिया देखे बैम्बो को ले कर किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप ले कर काम करी है उन्होंने, बैम्बो के फूड से लेकर बैम्बो की प्रोसेसिंग से लेकर इसकी बैम्बो की आर्किटेक्चर में कितनी बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर ली। और हमारे बच्चे जो हैं जो नई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, नए स्टार्टअप से सोच रहे हैं, उनको भी चाहिए कि हम बैम्बो की फार्मिंग की और इसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेकर किस तरह ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए भी हम बहुत बड़ा ज़र मुबादला और अपनी खुशहाली के में अपना करदार भी अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि जो मालूमात हमने आपको फ्राहम की हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और मुफीद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।